नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है टॉप न्यूज। हमारी टीम की मेहनत अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर पास में मौजूद बेल के बटन को दबाएं। धन्यवाद। कांग्रेस के भारत बंद का चमोली जिले में रहा मिला जुला असर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि, रुपए में गिरावट व बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस ने सोमवार को भारत बंद करके अपना विरोध जताया। कांग्रेस पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग कर रही। उनका कहना है कि ऐसा करने से उनकी कीमतों में 15 से 18 रुपए की कमी आ सकती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत कम होने के बावजूद भी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जिसके कारण डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही। वहीं आम आदमी का कहना है कि महंगाई बढ़ने के कारण उनका बजट गड़बड़ा गया है। गैस सिलेंडर के मूल्य में भारी वृद्धि हुई, अब तो ना तो सब्सिडी आ रही है न कुछ समय पर कुछ हो रहा है। आज महंगाई चरम सीमा पे बढ़ चुकी है। आज सिलेंडर देखो आप, पहले 400 450 था, आज 1000 रुपया हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया। और देखो जो नोटबंदी का मोदी जी ने वो किया था, वो बिल्कुल देश को पूरा वो कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। जो आज पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो आम जनता आज बहुत परेशान है। देखिए, महंगाई आज तो चरम सीमा पर चुकी है। जब इनकी सरकार नहीं तो तब इन्होंने खूब हल्ला बोला था। आज पेट्रोल देखो या राशन की कीमत देखो आसमान छू रही है। गैस सिलेंडर मिल रहे हैं आजकल 850 से 900 के बीच मिल रहे हैं। उसमें भी किसी की सब्सिडी आ रही है, किसी की नहीं आ रही है। पता नहीं क्या सर्विस है, कहीं के किसी की आती है, किसी की नहीं आती है।